आगे हला के प्रज्ञा तेरे गले में है। प्रज्ञा पहन रही है माला नहीं रही है, पहनाएंगे माला। ये वो जड्डा सगा को पहनाएगी राजी में जो हेलो दोस्तों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं ब्लॉगर वीडियो। सोना की शादी को आपने खूब इंजॉय किया होगा, हमने भी बहुत इंजॉय किया। सोना की शादी के बाद जब पहली बार सोना वापस अपने घर आई थी, यानी अपने पीहर मायके अपने यहाँ आई थी, तो जमाई जी और सोना का स्वागत कुछ इस तरह से किया जाता है कि जो बड़ा भाई होता है या छोटा भाई होता है वो तिलक लगाकर दोनों का स्वागत करता है। और इसके बाद रस्म ये होती है कि जो साथ में आए हैं उन लोगों के साथ हंसी मजाक की जाती है, जो समधी लोग होते हैं उनके साथ। तो बाहर प्रज्ञा उसकी भुआएं जूतों की जो माला है, सब्जियों की जो माला है, वो पहनाकर उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। और यहाँ अगली रस्म ये होगी कि सोना और दामाद जी ये निर्मल के तिलक लगाएंगे। जो भी साले होते हैं उन सबके साथ सात बार तिलक लगाया जाता है। तो जितनी भी हमारे भारतीय समाज में शादी की जो परंपराएं हैं, रस्में हैं, वो बहुत ही सोच समझ कर बनाई गई है। शादी के माहौल में हर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। पिता है तो उसका अपना महत्व है, कन्यादान करेगा। भाई है तो वो तिलक करेगा, और साली है तो वो जूते चुराई की रस्म करेगी। सास है वो सीख का नेक करेगी, बुआ है वो आरती का नेक करेगी। यानी हर जो व्यक्ति आता है शादी में, सबका अपना अपना महत्व होता है। और नए दामाद या नया जो मेहमान घर में आता है उसका परिचय भी इन रस्मों के द्वारा हो जाता है। रस्म जैसे ही वो अदा करता है उसकी समझ में आ जाता है कि ये इस परिवार का ये व्यक्ति है। तो समाज में ये जो परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज है, वो बहुत ही सोच समझ कर बनाए गए हैं। सोना की शादी बहुत ही हंसी खुशी के साथ बहुत धूमधाम से ईश्वर की कृपा से संपन्न हुई, और ये जो रस्में हैं वो भी बहुत ही आनंद के साथ, हंसी खुशी के साथ हमने अदा की सारी रस्में। तो इन्हीं रस्मों में आपको भी शामिल करते हैं। कुछ मेरे पास बचे क्लिपिंग्स हैं, वो मैं स्टोर करने के लिए आने वाले टाइम में मेमोरी के लिए रख रही हूँ, और आप भी उनको देख कर इंजॉय कीजिए। यहाँ पर जमाई सा ने सात बार निर्मल को तिलक किया और सोना ने सात बार उन तिलक पर चावल चिपकाए। बहुत अच्छी रस्म है, सभी इंजॉय करते हुए मस्ती के मूड में हैं। और इनकी जो सोना की चाचियाँ हैं, भुआवाँ हैं, उन्होंने दामाद जी का स्वागत कुछ इस तरह से किया। आप भी देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा।
सारा